नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। इंतजार हुआ खत्म, दिल्ली और नोएडा की तर्ज पर बुलंदशहर में पहली बार बना रॉयल पनवेल। लगभग 3 सालों से चल रहा था कार्य, 4 अप्रैल को होगा शुभारंभ। जनपद बुलंदशहर वासियों की बेहद खुशी की बात यह है कि अब उन्हें गर्मियों की छुट्टी मनाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि बुलंदशहर में रॉयल फन वर्ल्ड वाटर पार्क में इतनी विशेषता है कि आप एक बार आने के बाद बार बार जरूर आएंगे। रॉयल फन वर्ल्ड में खाने पीने के लिए कई रेस्टोरेंट बनाए गए हैं। दिल्ली का करीम होटल, सिकंदराबाद का शाहजी रेस्टोरेंट इस रॉयल फन वर्ल्ड में आपको मिलेगा। बुलंदशहर के ब्लॉक प्रमुख हाजी यूनुस ने यह रॉयल फन वर्ल्ड बनाया है। बुलंदशहर के लोग इसकी विशेषताओं को जानकर बेहद इसमें एंजॉय करने के लिए उत्साह है। हमारे संवाददाता याहिया खान, काजल लोधी एडिटर इन चीफ, वसीम अहमद सिद्दीकी की खास जीरो ग्राउंड रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत रफ्तार न्यूज। हम यहाँ पर रॉयल वाटर वन में है और यहाँ पर दिखाएंगे आपको किस अंदाज में यहाँ पर एक आर्टिस्ट और इंजीनियर द्वारा यहाँ पर एक गेटअप बनाया गया है। यह हर तरह से बनाया गया। देखिए, ये बच्चों के लिए नहाने के लिए स्थान बनाया गया है। यहाँ पे बच्चे नहाएंगे। देखिए, एक मैं ये दिखाऊंगा कि जूमिंग करके दिखाए कि यह बच्चों के लिए लपटने के लिए फिसलनी बनाई गई है, ये छोटे बच्चों के लिए बनाई, उससे छोटे बच्चों के लिए बनाई गई है। और यहाँ पानी का लेवल भी बहुत कम रखा गया है। और ये बच्चों के लिए देखिए, अगर बच्चे, अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऊपर से जो है बच्चे झूलते हुए नीचे आते हैं पानी में, उसके बाद में जो है यहाँ कैमरामैन से कहूँगा जूमिंग करके दिखाए। और साथ में इसको जो है चारों तरफ दिखाइए, ये बड़ों के लिए बनाया गया है। यहाँ पर बच्चे वगैरह जो है घूमेंगे और यहाँ पर नहाएंगे और यहाँ मस्ती करने के लिए। मैं धीरे धीरे यहाँ से चलूंगा और इस तरह से चलूंगा। देखिए, यहाँ पर एक खास बात और है, ये अगर हम देखें तो ये रास्ता जो है, बनावट जो है, ऐसा लग रहा है कि एक लकड़ी है, लेकिन अगर ये तो इंजीनियर जाने कि किस अंदाज में, किस चीज से ये यहाँ के रास्ता बनाया गया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी आ रहे हैं और मैं धीरे धीरे यहाँ चलूंगा और दिखाऊंगा कि यहाँ पर कितने अच्छे अंदाज में यहाँ पर वाटर पार्क बनाया गया है। हाँ, एक खास बात ये भी है कि बुलंदशहर के लोग नोएडा और दिल्ली, गाजियाबाद या अलीगढ़, यहाँ से मस्ती करने के लिए, एंजॉय करने के लिए जाते थे। और ये जो वाटर पार्क बना है, यहाँ ब्लॉक प्रमुख हाजी यूनुस साहब ने बनवाया है। और इस की खास बात यह है कि देखिए, एक नए अंदाज में एक यहाँ पर एक और गेटअप दिया गया है। देखिए, मैं सहयोग से कहूँगा ऊपर से नीचे से दिखाए, कितने प्यारे अंदाज में यहाँ पर लोग यहाँ रपटते हुए ये आप नीचे पानी का मजा लेंगे। इसके साथ साथ में जो है यहाँ देखिए, काफी लोग एक साथ यहाँ पर आ सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि मैं और मेरे साथ बिल्कुल बिल्कुल चलते रहें, थोड़ा तेज से कदम करके चलिए। देखिए, यहाँ पर क्योंकि अंधेरा होता नजर आ रहा है और हमें यहाँ पर जो है पूरी तरीके से कवरेज करना है कि यहाँ पर इस खास वाटर वर्ल्ड के अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या किस खास अंदाज में ये वाटर वर्ल्ड बनाया गया है। बुलंदशहर के लिए बाकी बेहद खुशी की बात है कि अब बुलंदशहर के अंदर यहाँ वाटर वर्ल्ड बन चुका है। अब लोगों को दिल्ली या नोएडा या फिर गाजियाबाद या फिर अलीगढ़ जाना नहीं पड़ेगा। ये देखिए, साथ के साथ मेरे साथ साथ आए, ये देखिए गहरा गड्ढा यहाँ पर नहाने के लिए बनाया गया है। लगभग ये उधर साइड में अगर देखा जाए तो हमें 3 फुट लग रहा है, उधर साइड देखा जाए तो 6 फुट लग रहा है। तो यहाँ पर पानी नहाने का मजा ही कुछ और आएगा। और मैं अपने सहयोगों से यही कहूंगा कि इधर से दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ कैमरा करें और ये दिखाएं कि यहाँ पर जो बड़ों लोगों के लिए नहाने के लिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक जगह बनाई गई है। मेरे करीब आए और करीब आने के बाद में दिखाए कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे नहाते हुए नीचे जाएंगे और नीचे जाने के बाद यह म्यूजिक और यहाँ पर जो है समुद्र की लहर जैसा सिस्टम भी उनको मिलेगा। यहाँ देखिए, ऊपर से कितना ढलान के साथ में यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पर बनाया गया है बड़े अच्छे अंदाज में नहाने के लिए। और मैं इसी के साथ में कैमरामैन से, अपने सहयोगी से ये भी कहूँगा कि यहाँ से एक रुकने के बाद में मैं रुकूंगा और वो यहीं रहें और उसके बाद में मुझे दिखाएं कि यहाँ से जो है ये पूरा नज़ारा किस तरह दिखता है। ये देखिए, कितने अच्छे अंदाज में यहाँ पर ये वाटर वर्ल्ड का नज़ारा दिख रहा है। 3 साल के कड़े इंतजार के बाद वाटर पार्क बुलंदशहर के अंदर आ चुका है, जहां आपको 3 साल से इंतजार था कि कब हमारे बुलंदशहर के अंदर कोई ऐसी चीज आएगी जहां हम गर्मियों के सीजन में जाकर वहां आराम कर सके। लेकिन अब
आप इंतजार बंद कीजिए, क्योंकि इंतजार की जो घड़ी थी वो खत्म हो चुकी है। वाटर पार्क बुलंदशहर के अंदर आ चुका है। उससे पहले मैं आपको बताऊंगी भी, दिखाऊंगी भी कि किस तरह से यहाँ वाटर पार्क बनकर तैयार हुआ है। ये वाटर पार्क किसका है वो भी मैं आपको बताऊंगी। बुलंदशहर के हाजी यूनिस, जो कि आज के डेट में ब्लॉक प्रमुख है, उन्हीं का ये वाटर पार्क है। उन्होंने बुलंदशहर के लोगों को बड़ा तोहफा दिया है गर्मियों में, जिससे कि वो इसका मजा ले सके, उसका फायदा उठा सके। वो आए और देखें कि यहाँ क्या क्या है। दिखाना चाहूंगी, सहयोगी से कहूंगी यहाँ जूम करके हर एक चीज को अंदाज से दिखाएं, जो कि ये अंदाज में बना हुआ है। देखिए ये यहाँ बच्चे यहाँ आए और यहाँ पर नहाए। वाटर पार्क है ये, इसके अंदर काफी एक ऐसी ऐसी जगह है कि ये मान लीजिए कि अगर इसमें कोई अंदर चला गया तो ये मान लीजिए खो गया। जी हाँ, ये सच्चाई है। एक तरफ से चढ़ेंगे यहाँ और पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ निकले, यानी कि ये मान लीजिए कि ये बुलबुलैया है, ना ही तो ये सिकंदराबाद में है बुलंदशहर के अंदर, ना ही दूर दूर से ये नहीं हमें देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ बुलंदशहर के अंदर ये आ चुका है। कड़ी मेहनत के बाद, कड़े इंतजार के बाद वाटर पार्क बुलंदशहर में आ चुका है। यहाँ छोटी से छोटी चीज का बड़ा ही ध्यान दिया गया है, बड़े ही शानदार तरीके से यहाँ पर ये मंडकर तैयार हुआ है। यहाँ रेस्टोरेंट भी है काफी अच्छा, अगर बड़ी फैमिली है रुकना भी चाहती है वो यहाँ नाइट में भी आकर अपने खाने पीने का मजा ले सकती है। खाना भी यहाँ पर काफी स्वादिष्ट है। इसकी ओपनिंग भी अभी नहीं हुई है, उससे पहले ही यहाँ लोगों की आवाजाही शुरू हो गई है। सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि यहाँ ये बड़े ही खूबसूरत तरीके से इसको यहाँ पर बनाया गया है। ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ सर मौजूद हैं, इनसे जानेंगे, ये यहाँ पर इसकी देखभाली कर रहे हैं, जानेंगे कि इसमें और क्या क्या चीजें हैं जो कि हमको भी नहीं पता। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ। अच्छा, इसके बारे में हमको बताइए कि ये कब चालू होगा, कब से इसमें आवाजाही स्टार्ट होगी लोगों की? उससे पहले भी लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इसकी खासियत क्या है? ये दिमाग में कैसे आया कि यहाँ बुलंदशहर के अंदर इतना अच्छा तोहफा ये लाकर खड़ा कर दिया? ये बुलंदशहर के अंदर पहली मरतबा बुलंदशहर जिले में बनाया गया। ये ब्लॉक प्रमुख हाजी यूनुस जो है, ये उन्होंने बनाया अपने बुलंदशहर के लिए एक अलग सोच कि हम बुलंदशहर के अंदर कोई एक नई चीज करें, ये उन्होंने बनाया। और खासियत इसकी एक ये है, सबसे पहले तो दिल्ली जो जामा मस्जिद वाला करीम होटल है वो इसके अंदर आ रहा है, सिकंदराबाद में जो शाहजी है वो यहां आ रहा है, एक मेरठ के सनोक स्वाद रेस्टोरेंट है, वो सबके अलग अलग पार्टीशन वो सब इसके अंदर है, रूम है इसके अंदर ठहरने के लिए। क्या नाम है? मोहम्मद तहसील। यही रहते हैं जी। अच्छा, ये वाटर पार्क जैसे ही आया लोगों के दिलों में खलबली मच गई कि हम कब नहाने के लिए आए, कब यहाँ का मजा उठा सकें, तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ? यहाँ बहुत अच्छा है, ये सारा मेरी देख रेख में बना है और सारा मैं यहाँ खराब काम कराता हूँ, जो भी बन रहा है ये बहुत अच्छा बन रहा है। हमारे यूनिट भाई है, उन्होंने बहुत अच्छी सोच है, ये वो चाहते थे कि मैं बुलंदशहर की जनता को नई चीज दूँ, बहुत अच्छा मैं आता हूँ पहुंचू। यहाँ जो बच्चे आएंगे, फैमिली आएगी, वो फुल एंजॉय करेंगे, किसी तरह की यहाँ किसी चीज को कमी नहीं होगी। अच्छा, ये कितने बीघा में ये यहाँ पर बनकर तैयार हुआ? ये करीब 26 बीघा में। 26 बीघा में। अच्छा, और इसमें क्या क्या खासियत है देखने वाले? फैमिली के लिए क्या यहाँ पर? फैमिली के लिए आपका एक रेस्टोरेंट होगा शाहजी की, जो आपको लस्सी है, खीर है, करीम होटल है दिल्ली जामा मस्जिद के लिए, जामा मस्जिद से जो आएगा यहाँ पर उसकी विराज जा रही है। और ये जो देखने खास चीज है, एक हमारा पीछे यही पूल है जी, वो बहुत अच्छी चीज है एंजॉय के लिए। रेन डांस है, उसमें समुद्री लहरें आएंगी ये पूल के अंदर, पीछे ये रेन डांस दिख रहा है हमारा, और रेन डांस में जो है साउंड वगैरह सिस्टम भी होगा, उसमें आप डांस भी कर सकते हैं, फुल एंजॉय कर सकते हैं। सर देख कर क्या लग रहा है? ये भूल भुलैया है ना जी? ये एक साइड से इसको चलाएंगे, जिस स्लाइड पे आप चाहें, जिस राइड पे आप चाहें बच्चों को भेज सकते हैं, ज्यादा बड़ी है थोड़ी, ये बच्चों के लिए है सारा, बच्चे चाहे फुल एंजॉय कर सकते हैं बच्चों। बिल्कुल, इसको देखकर भी आपको यही लग रहा होगा कि अभी हमने खबर चलाई और आप यही सोचेंगे कि बस हम वहां जाएं तो जाएं कैसे, इसलिए हम आपको एड्रेस भी बता देते हैं, चंदेरू जेल, बुलंदशहर की चंदेरू जेल के जस्ट बराबर में ये वाटर पार्क बनकर यहां तैयार हुआ है। यहां अगर सिकंदराबाद जाएंगे, जाने की जरूरत नहीं है, बुलंदशहर के लोगों के लिए खासतौर से हम बता दें कि बुलंदशहर कि जो लोग सिकंदराबाद खीर खाने के लिए जाते हैं, लस्सी पीने के लिए जाते हैं, तो वहां जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि लस्सी और खीर यहां आ चुकी है। अगर दिल्ली बिरयानी खाने के लिए जाते हैं तो वो भी जाने की जरूरत नहीं है, वो भी यहीं पर आ रही है, वो पूरा होटल यहां पर अच्छे से बनकर तैयार हो रहा है, वहां पर भी लेकर जाऊंगी। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा और नजारा देख लीजिए, देखिए यहां पर पहाड़ है,
जो कि अभी ये बंद है, इसमें से पानी अभी चला था और वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये पहाड़ है, अभी बंद है, उसकी भी मैं क्लिप आपको दिखाऊंगी, आप तक पहुंचाऊंगी। दर्शकों लगे रहिए मेरे साथ, बने रहिए मेरे साथ ऐसी ही खबर देखने के लिए। पूरा आपको वाटर पार्क पूरी तरीके से मैं आपको दिखाऊंगी। जब आप एंट्री होंगे तो बहुत अच्छे से आपका स्वागत होगा, क्योंकि पेड़ पौधे आपका स्वागत करेंगे। सुनने में बड़ा ताजुब हो रहा होगा कि पेड़ पौधे कैसे मेरा स्वागत कर सकते हैं, लेकिन हाँ सच्चाई है, दिखाऊंगी वो भी। आइए मेरे साथ। के साथ खेलकूद के बाद जाहिर है आपको भूख जरूर लगी होगी, लेकिन निराश ना हो, इस वाटर पार्क के अंदर आपको ऐसी चीजें भी मुहैया कराई गई हैं जो आप जाकर आनंद ले सकते हैं खाने की चीजों का। आपको बता दें, यदि अगर आपको पसंद है कि शाजी की हमें खीर चाहिए तो आपको यहीं पर वो अवेलेबल हो जाएगी। यदि आपको पसंद है कि हम बिरयानी खाएं वो भी करीम की, तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और भी अदर जायके आपको मिल जाएंगे। यदि आप नॉन वेज खाना पसंद करते हैं तो वो भी आपको मिलेगा, अगर वेज खाना पसंद करते हैं तो वो भी आपको मिलेगा। चलिए आपको एक दिलकश नजारा दिखाता हूँ उस खूबसूरत जगह का जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तीन पार्टीशन के अंदर यहाँ पर तीन रेस्टोरेंट बनाए गए हैं, जो एक शाजी और दूसरा करीम और तीसरा जो है एक सन ऑफ जायका। चलिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ दिखाता हूँ आपको खूबसूरत जगह। आपको बता दें पूरे पार्क को अगर आप घूमने के लिए निकलेंगे तो ये पूरे के पूरे 26 बीघा में बना हुआ है, तो जाहिर है आपको भूख भी लगेगी। जिस रेस्टोरेंट की मैं बात कर रहा था, मैं चाहूंगा अपने सहयोगी से कहूंगा आए मेरे साथ और इस खूबसूरत रेस्टोरेंट को दिखाएं। तो किस तरीके से बना हुआ है, बेंचेस हैं, बहुत सारी चीजें हैं, आपको मैं दिखाना चाहूंगा। ये खूबसूरती से पूरे तरीके से बना हुआ है, मैं सहयोगी से कहूंगा कैबिन को दिखाएंगे। तो हालांकि अभी पूरे तरीके से ये लगी नहीं है, जब इसको मेरी ठीक तरीके से लगा दिया जाएगा तो जाहिर है ये और भी ज्यादा जोर देगी और खूबसूरत बन जाएगा। आपको बता दें यदि आपको सिकंदराबाद की खीर पसंद है तो वो आपको यहाँ मिल सकती है। अगर आपका मूड तड़केदार बिरयानी का हो रहा है तो वो यहाँ पर मिल सकती है, और आपका मूड अगर किसी अन्य चीज का हो रहा है तो वो सब आपको यहाँ पर मिलेंगी। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप रॉयल फन पार्क के अंदर आ रहे हैं तो घर से बिल्कुल निश्चिंत होकर भूखे पेट भी निकल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें आपको मिल रही है। आप मैं सहयोगी से कहूंगा कि ये यहाँ पर दिखाएं जो पहली रणनीति बनाई गई है, ताकि उसको और भी ज्यादा खूबसूरत बनाया जा सके और अच्छा यहाँ पर जो है लोग आपको गर्मी के अंदर यहाँ पर अपना लंच कर रहे हैं या डिनर कर रहे हैं। और आपको बता दें यहाँ पर रूम भी अवेलेबल है, यानी अगर आप कहीं बाहर से सफर आ रहे हैं और टायर्ड है और सफर की आपकी हिम्मत नहीं है तो आपको बता दें यहाँ पर रूम भी अवेलेबल है, आप उसको आराम से अपनी फैमिली के साथ आकर रुक सकते हैं, अपने बच्चों को यहाँ पर रख सकते हैं ताकि उनका भी दिन लगेगा और जो भी चीज आपको चाहिए वो यहाँ पर मुहैया हो जाएगी। और भी आपको बाकी चीजें दिखाऊंगा, बने रहे मेरे साथ। आपने वो मिसाल तो सुनी होगी, खूबसूरती को देखकर मेरी भूख भाग गई, लेकिन आपको बता दें ये वही चीज है, हम आपको दिखाएंगे इस तरह खूबसूरती से इस रेस्टोरेंट को बनाया गया है। वो इसीलिए बनाया गया है कि जो भी लोग यहाँ पर आते हैं वो इसको यहाँ पर देखने के बाद उसका आनंद ले सके। और कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया होगा ताकि वहां पर लोग अपने सेल्फी ले रहे हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि इस पूरी सीलिंग को भी दिखाएं किस तरह खूबसूरती से ऐसा बनाया हुआ है। ये पूरा लुक जो दे रहा है, मैंने दिल्ली में एक रेस्टोरेंट देखा था उसका पूरे तरीके से ये लुक दे रहा है, जो बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है और बहुत ही ज्यादा खूबसूरती से बना हुआ है। और भी चीजें बाकी हैं दिखाने के लिए, ये तो रात हो चुकी है, और भी चीजें आपको दिखाने के लिए बाकी हैं, बने रहे हमारे साथ।